ओ भाई साहब मजा ही आ गया, इतने सारे नूडल, ये सारे तो भाई साहब मैंने खा जाने हैं। अभी तेरी कौन सी है? देखो एक तो ये वाली मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी और ये भी मेरी। स्वाद आ रहा ना भाई साहब आज तो आइए चक्के देखते हैं कैसा है मामला। हाँ जी क्या हाल है सबके? तो मैं हूँ उदित बत्रा, आपका होस्ट दोस्त चैनल भुक्खड़ बाय बर्थ से। तो आज हम बच्चों, सॉरी बड़े भी होंगे, बनाने जा रहे हैं ये, ध्यान से देखिए इसको, और ये, और एक दो और है, दिखाता हूँ धीरे धीरे, थोड़ा सबर करो। अच्छा तो अभी रिसेंटली COVID-19 के ब्रेक से, मतलब ब्रेकआउट से पहले, ब्रेकआउट एक्चुअली हो चुका था फेब में, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू बाली इंडोनेशिया। तो मैंने उनसे कहा कि यार वहाँ की ना इंस्टेंट नूडल्स ले आना, मेरे को ट्राई करनी है। तो आज हम चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोनेशियन नूडल्स को बनाने वाले हैं, जिनमें से एक जो है ये वीगन है, नॉट ओनली वेजिटेरियन, ये वीगन है, इसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट वैसे होता भी नहीं है, बट ये वीगन है। और बाकी हमारी नॉन वेजिटेरियंस हैं, मोस्टली चिकन है जिनमें फ्लेवरिंग के अंदर। तो आइए देखते हैं कि क्या है सामान और क्या है सामग्री, और बनाते हैं इंस्टेंट नूडल्स बिना होटल मैनेजमेंट की डिग्री। हाँ जी तो ये है जी हमारे चार टाइप के जो है नूडल। सबसे पहले है जी ये दाई का वीगन नूडल है जी, रोसा सोटो। अब रोसा सोटो का मतलब मेरे को नहीं पता है, पर मोटा मोटी पकड़ने वाली बात यह है कि ये जी वेजिटेरियन है, अपनी मैगी वर्गा, पर वो वीगन नहीं होती। ये है जी मी सिदाप। मी सिदाप इंडोनेशिया का सबसे बड़ा इंस्टेंट नूडल ब्रांड है वैसे, और उसका भी ये फ्लेवर है कोरियन स्पाइसी चिकन वाला, ठीक है जी। ये है इंडोनेशिया का सेकंड बिगेस्ट ब्रांड जो कि है इंडोमी। इंडोमी का ये है मी गोरांग रासा आयाम ब्रह्मस्तमी, नहीं आयाम गेरपैक, आयाम गेरपैक। इसका क्या मतलब होता है मेरे को सही से नहीं पता है, कोशिश करी मैंने जानने की इंटरनेट के थ्रू, बट कुछ खास जवाब मिला नहीं। ये है इनका मी सदाब का ही इंस्टेंट है ये आयाम बवांग। आयाम बवांग का मतलब होता है अनियन करी, मतलब बवांग होता है अनियन और आयाम होता है करी, तो करी अनियन, अनियन करी, नथा सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। तो आइए शुरू करके देखते हैं कि कैसे बनते हैं हमारे नूडल। ये है जी मी सदाब इंस्टेंट जिला तेरा, क्या है यार ये मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, इंग्लिश क्यों नहीं लिखी है इस पैकेट पे कहीं पे। तो सबसे पहले ये वाला बनाने जा रहे हैं कि ना दा इंडोमी दा मी गोरांग, ओ यार वो कनियन अनियन, अनियन करी वाला। तो अब जरा इसको डाल के देखते हैं, शुरू करते हैं इसके साथ। तो जी इन्हें चौके चढ़ाता है, और ये नूडल भी जो है हमने डाल दिया इसके अंदर, चूरा वूरा जो होता है वो भी निकाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं। हेलो जी सबसे पहला मसाला ये है, ये तेल तूल सा जी निकला जी कोई, तो पता नहीं कि सोया सॉस है कि ये चिल्ली सॉस है, ये फ्लेक तो दिख रहे ने, तो पर इतनी अपने को जो है नॉलेज इसके अंदर नहीं है। और जी इसके साथ में ये दो निकले हैं जी बड़े तड़कते फड़कते से पैकेट में बंद मसाले, तो इनको भी एक एक करके जो है अपन इसमें डाल देते हैं, और फटाफट डाल देते हैं क्योंकि फिर अपने को दूसरी वाली मैगियों का भी तो बनाना है। लो जी ये दूसरा मसाला भी जो है मैंने इसमें डाल दिया है, ये अपनी वो नवरत्न नमकीन जैसा सामान लग रहा है कुछ, और जो है इसका मैंने नाम रखा है जाम फाड़ नूडल, क्योंकि बड़ी स्पाइसी लग रही है, मैंने कहा फिर अदा ना भी जाम फाड़ वर्गा कुछ होना चाहिए। और ये तीसरा मसाला है, आई एम गेसिंग ये अनियन पाउडर मिक्स है, पर अपने को पक्का वाला नहीं पता, तो डोंट कोट मी ऑन दैट। अब इस मसाले में थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं जी अपन, और इसको पीछे चौके चढ़ा देंगे ताकि अगली नूडल को बनाने की भी तैयारी शुरू कर सकें। तो यह है जी साडा दूजे नंबर का नूडल, मैंने क्योंकि ये वीगन है इसका नाम रख दिया है घास पूस। लो जी स्टार्ट करते हैं, इसको भी खोल के डालना। लो जी ऐ भी नूडल नू पाता है जौहर कुंड विच। तो ये निकला है जी इसके अंदर तेल। अब पता नहीं ऐसा क्यों है कि ये वेगन वाले में जो है तेल भी घट निकला है, तेल है या जो भी मसाला है, क्या मतलब वेजिटेरियन लोग कम ऑयली खाते हैं क्या? लगता है इन्होंने हमारे यहाँ के समोसे कचौड़ी नहीं खाए हैं कभी। तो ऐ है नहीं जी ऐसे भी दो मसाले, एक तो ये थोड़ा सा हरा हरा सा है, और एक मसालेदार वाला मसाला है जैसा थोड़ा बहुत अपनी मैगी के साथ आता है ना। तो लो जी हम इनू चौक के चढ़ाता है, तो माड़ा जहाँ इनू जड़ा है पक्कन दांगे, और इसको भी घुमा के
कर देंगे अलग गैस स्टोव पे ताकि हम अपनी तीसरी नूडल की तरफ बढ़ सकें। तो यह हैगा जी साडा तीजा नूडल जिसे चाहिए ने चार स्पाइसेस। तो इसका नाम मैंने रखा है कांदा करी, क्योंकि प्याज अनियन करी नाम है इसका, तो मैंने कहा थोड़ा सा इंडियनाइज नेम दे देते हैं। तो यह गया जी कांदा करी वाला समान भी साढ़े पैन के अंदर। तो लो जी हुण इहदे च पाने तेल, और ये तेल वाला मसाला इसमें भी कम निकला है। तो जो मेरा सवाल था कि भाई वेज वाले में तेल कम क्यों, वो गलत प्रूव हो गया है, नीड के हिसाब से डलेगा जी। लो जी ऐ है ने दो और मसाले। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ कुछ हद तक कि ये वाले मसाले हमारी जो पहली वाली नूडल थी ना उससे कुछ कुछ मिलते जुलते ही हैं। वो भी ऐसी थे, चिट्टा एक काला, एक चिट्टा एक काला, तो चिट्टा काला कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब जो है ये आखिरी मसाला है इसका, ये भी डाल लेते हैं। अभी तक सारे मसाले तीन तीन ही निकले हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये भाई साहब चार वाले हैं। तो आई एम गेसिंग कि ये स्पाइसी होगा, हालांकि इस पर एडवर्टाइज तो नहीं किया गया है ऐसा दोस्त। ऐ की है क्या भाई, चलो पता चलेगा, आज कुछ नया सीखेंगे, आपको सिखाए ना सिखाए आज खुद तो सीख ही जाएंगे कि क्या बनाया हमने। तो लो जी इसको हल्का सा कर देंगे मिक्स, और अब कर देंगे इसको पसे ताकि हम चौथी और आखिरी नूडल की तरफ बढ़ सकें। तो ये है जी हमारी चौथी और आखिरी नूडल जिसको हम थोड़ा अलग तरीके से पकाएंगे। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट नूडल को जो है नूडल को बॉईल करना है और मसाले जो है उन्हें सूखा रखना है, और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो लो जी ये भी नूडल को हमने इसके अंदर है डाल दिया। अब क्योंकि ये कोरियन स्पाइसी नूडल है, इसके अंदर आए हैं पांच डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस, मतलब जितनी स्पाइसी नूडल है उतने अलग अलग टाइप की सीजनिंग इसके अंदर आएगी। हमारे इंडिया में तो क्या होता है, चाहे स्पाइसी हो चाहे नॉन स्पाइसी हो, एक की स्पाइस पाने थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा काट देने ने, तो किसी से थोड़ी सी मिर्ची काट पाने ने, बट इनका अलग है। ये सही है कि भैया तीन चार टाइप का आपको मसाला दे दिया है, आपको कम स्पाइसी खानी है, एक आधा आपको पता है अगर इनकी भाषा पढ़नी आती है तो उस हिसाब से आप कम डाल लो। ये हमने डाल दिया इसके अंदर तेल, तेल मेरे ख्याल से इनका स्पाइस मिक्स है, जितना ज़्यादा तेल उतनी स्पाइसी नूडल। तभी दो में ज़्यादा तेल आया और दो में कम आया, हमारी घास फूस में कम था ना तेल। ये गया जी दूसरा। अब ये दो मसाले डालने के बाद मुझे याद आया कि मैं तो जी भावनाओं में बह गया, ये तो डालने नहीं थे, इन्हों तो अलग पकाना सीखा। पर कोई बात नहीं, अब अगर आगाज कर दिया है तो मंजिल जैसी भी हो पहुंचने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो चलो कोई नहीं, अब सारे स्पाइस मार देते हैं इसके अंदर, पढ़ा लेंगे इसको भी ऐसे, और क्या हमने ही तो खानी है। ये गए मसाला नंबर 3 और 4। तो ये है जी पांचवा जो मसाला है। आई एम गेसिंग कि इसके अंदर जो है अनियन की सीजनिंग है, क्योंकि आवाज़ ऐसी आ रही है और कड़क कड़क सा लग रहा है। तो इसको हम ऊपर से डायरेक्टली डालेंगे, जैसा हमने यूट्यूब वीडियोज़ में और कुक शोज़ वगैरह में देखा है कि ये जो लोग होते हैं इंडोनेशियन, ये प्याज ऊपर से डालते हैं अपने नूडल में। तो लो जी चारों तो चारों मैंने नूडल जो है इनको चढ़ा दिया चुके, और अब जो है जी इनके साथ हमने क्या करना है, इनको करना है मिक्स। अब हमारे घर में तो जी देखो मैंने खानी है, वेज नॉन वेज का परहेज नहीं है, तो आपा तो एक ही स्पैचुला से सारा काम कर लेंगे। आप देख लेना, बुरा नहीं मानना इस बात का कि हाय इस मोटे ने तो एक ही स्पैचुला नाल सारे काम मुकाते ने, ठीक है ना, थोड़ा सा आप भावनाओं को भी समझना। तो आइए अपनी नूडल फैमिली से आपको मिलवाता हूँ। ये है जी भयंकर सबसे स्पाइसी वाला कोरियन स्पाइसी चिकन नूडल। ये है जी हमारा घास पूस यानी कि वीगन वाला, वेजिटेरियन कतई बिना मुर्गे वाला साखा सीधा सा नूडल। ये है जी हमारा थोड़ा सा कम स्पाइसी जामफाड़ चिकन नूडल, और ये है जी हमारा कांदा करी वाला हल्के से मुर्गे के स्पाइस वाला नूडल। तो हमारे सारे नूडल जो है जी वो हो चुके हैं बन के तैयार, और अब टाइम आ गया है इनको प्लेट में मतलब कटोरे में परोसने का। तो सबसे पहले आपके लिए पेश है जी पेशे खिदमत हॉट एंड स्पाइसी कोरियन चिकन नूडल हमारा, जो सबसे ही भयंकर जिसका हमने नाम रखा था, उसको हमने प्लेट कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हो। और अब जो है जी इसके ऊपर थोड़ा सा श्रृंगार करना बाकी है, तो ये कर दिया जी हमने अब इसके ऊपर श्रृंगार।
मैं श्योर नहीं हूँ कि इसे पकाना था अनियन की सीजनिंग को या नहीं, बट मुझे लगता नहीं है। तो ये है जी हमारा नूडल नंबर टू, यानी कि अपनी भाषा में बोले तो घास पूस, बोले तो फुल वीगन वाला नूडल। तो ये है जी हमारा अगला वाला नूडल, जिसका हमने नाम रखा था कांदा करी, क्योंकि ये चिकन एंड अनियन वाला जो है नूडल है। ये भी दिखने में तो यार रूखा सूखा सा लग रहा है ना, क्यों माई कैमरामैन बीरो। ये है जी आखिरी नूडल, जिसका नाम हमने रखा था, वैसे स्पाइसी है, जामफाड़ नूडल। अब ये जो हमारा जामफाड़ है इसके अंदर और हमारे जो सबसे पहला वाला नूडल है ये अनियन सीजनिंग वाला, भयंकर इन दो के बीच में बेसिक कंपैरिजन होगा कि कौन सा ज़्यादा स्पाइसी है। ये बाकी दोनों मेरे को इतने स्पाइसी नज़र आ नहीं रहे हैं, तो आइए चख के देखते हैं कैसा है मामला। अभी तेरी कौन सी है? देखो एक तो ये वाली मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी और ये भी मेरी। स्वाद आ रहा ना भाई साहब आज तो। तो लो जी हमारे ये चारों, ओ सॉरी सॉरी, पांचों नूडल हो गए हैं तैयार। जी हाँ, हम ये चार बना रहे थे विलायती सामान, मैंने कहा फिर एक देसी भी सामान तैयार हो ही जाए। अब नूडल्स की बात हो तो मैगी कोई भूल सकता है क्या, तो मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। अब ये भले ही कॉम्पिटिशन में हो चारों आपस में, पर ये कभी कॉम्पिटिशन में नहीं है, क्योंकि ये हर इंडियन की लिस्ट में हमेशा विनर है। तो ये जी सबसे पहले हमारी वीगन नूडल, यानी कि इंडोनेशिया की आप मैगी कह सकते हो। काफ़ी कम स्पाइसी है ये, मैंने थोड़ी सी बनाते हुए भी चख ली थी, चटोरा तो मैं हूँ ही। काफ़ी कम स्पाइसी है हमारी मैगी, से कह सकते हो डबल तो होगी होगी, और ठीक है। बट अभी तक तो अगर ये इनका कम स्पाइसी है तो मेरे को ज़्यादा स्पाइसी से खासा उम्मीद नहीं है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये है जी हमारी दूसरी नूडल जो हम ले रहे हैं, इसका हमने प्यार से चिकन नूडल का स्पाइसी वाली का नाम रखा था जामफाड़, क्योंकि ये थोड़ी सी स्पाइसी थी पिछली वाली के मुकाबले। हल्का सा हिट आया स्पाइस का, पर अभी मुझे लगता मेरे को कोक या चॉकलेट खाने की ज़रूरत है अपनी मिर्ची की दिक्कत को कंट्रोल करने के लिए। बट सही है, स्पाइसी है, चिकन का फ्लेवर आ रहा है, सही है, लेकिन अभी भी वो वाली स्पाइसी नहीं है। हाँ जी, तो अगली हम टेस्ट करने जा रहे हैं ये अयाम बमांग वाली जो हमारी है, अनियन वाली जिसको कहते हैं, अनियन करी वाली जो नूडल है उसको। अब ये भी काफ़ी कम स्पाइसी दिखने में तो नज़र आ रही है। थोड़ी सी सॉल्टी साइड पे है, बट सही है। अगर स्पाइसोमीटर की बात करूं तो हमारी जामफाड़ जो है वो वीगन वाली और इससे दोनों से ज़्यादा स्पाइसी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है। ये भी मैं कहूँगा मेरे टेस्ट पैलेट के हिसाब से तो काइंड ऑफ ब्लैंड ही है, पर हाँ इनकी नूडल्स की क्वालिटी अगर आप मैगी से कंपेयर करोगे, मैगी के हल्के हल्के टुकड़े हो जाते हैं। ये नूडल देखो आप कि कितने लंबे हैं, है ना। स्पाइस में थोड़ा सा फेरबदल ज़रूर है, क्योंकि ये जो हमारे होते हैं ना लोग बाली वाले, इंडोनेशिया वाले, ये फिश ऑयल वगैरह ये सब ऑयल्स में ज़्यादा मतलब खाते हैं, तो उसमें हल्की स्मेल होती है जो अपने को नहीं पसंद आती है, बट अगेन नाइस। तो लो जी फैसले की घड़ी है गई आ, ये हमारी भयंकर यानी भयानक वाली स्पाइसी नूडल, जिसको टॉप किया गया है अनियन के साथ, कैरमलाइज्ड अनियन कहते हैं इसको शायद से। और इससे मेरे को भाई साहब बड़ी ही गलत वाली, जिसको कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये स्पाइसी नहीं निकली ना मैंने वीडियो अपलोड ही नहीं करनी है। तो चलो चख के देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। ओ भाई ये स्पाइसी है, ये बहुत ही गलत स्पाइसी है, बहुत ही गलत स्पाइसी है। ओ भाई साहब क्या चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा गलत वाली स्पाइसी है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से लेके ना यहाँ तक इतने बड़े एरिया को पार करके भाई साहब मिर्ची ने धुएँ निकाल दिए। लो जी आ गए हैं अपने कंफर्ट फूड पे, जैसे कहते हैं ना ढाबे पे जाके आलू प्याज का पराठा बनाना, उसी तरीके से घर पे मैगी बनाना। तो इसको चख के क्या ही बताना है, वीडियो शूट करते करते ना मैगी सूख गई है, तो बचपन में स्कूल लेके जाते थे ना मैगी, ऐसी उसकी स्क्वेयर सी रेक्टेंगल सी शेप बन जाती थी,
वैसी से याद आ गई है, मतलब कसम से बचपन याद दिला दिया इस मैगी ने। अच्छा लगा, पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई और नई बन भी गई। पर मैं एक बात जरूर कहूँगा, सारी नूडल एक जगह, ए राजा है जी राजा, राजा को थोड़ी बहुत टक्कर दी है इसने मिर्च के बगान ने, पर टिक नहीं पाएगा। आपका इंडियंस होता है यही हो चाहिए नंबर वन। तो चलो जी मैं चलता हूँ, और मैं अब इनको जो है बढ़िया तरीके से थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से और बहुत सारा यहाँ से खाऊंगा और अपने नूडल्स को फिनिश करूंगा। तब तक आप क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आए तो, ना आए तो डिसलाइक भी दबा दो। कमेंट करके बताओ आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और कौन सी चीज़ों की रेसिपी वीडियोज या कंपैरिजन वीडियोस आप आगे से देखना चाहेंगे। हम उन्हें ज़रूर देखेंगे और आपके लिए ज़रूर बनाएंगे।